सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त परमानंद पब्लिक स्कूल में एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हमारी टीम उपस्थित है सिवान जिले के मैरवा प्रखंड के शिवतापुर पंचायत में, और आइए जानते हैं यहाँ के मुखिया पिंकी देवी से कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। और अभी जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था डोमरी विद्यालय में, वहाँ पे अभी जो 14 दिन का ख़त्म हुआ क्वारंटाइन पीरियड जो ख़त्म हुआ, उसमें कैसा इनका अनुभव रहा, और वहाँ पे जब ख़त्म हुआ है पीरियड तो वहाँ पे इन्होंने क्या कुछ किया है इस दौरान में, आइए जानते हैं। आपके क्वारंटाइन सेंटर पे जो 14 दिन का आपका अनुभव रहा है, आप जाके वहाँ पे लोगों से मिली, प्रवासी मजदूरों से और जो भी लोग आए हुए थे, आपका कैसा अनुभव रहा? मेरा तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ, जहाँ तक सहयोग हुआ वहाँ तक ले हम उन लोग को सारे काम किए, और आज उन लोग को विदाई देने के लिए हम गए तो वहाँ पे उन लोग को मिठाई खिलाए और अपने प्रवासी मजदूर को खुशी खुशी से विदा किए। और वहाँ के जो रसोईया थी उसको हम कपड़ा दिए हैं, 4 रसोईया लेडी थी उसको हम साड़ी साया ब्लाउज देकर और 2,000 रुपया दिए। जो जेंट्स मजदूर थे उनको हम, जो धोती कुर्ता वाले थे उसको धोती कुर्ता दिए, जो पैजामा कुर्ता वाले थे उसको हम पैजामा कुर्ता देकर खुशी खुशी से विदाई किए हैं। और यही सब हमारे अभी जैसे कोरोना का डर सबके मन में व्याप्त है, तो कहीं आपको डर नहीं लग रहा था कि हम लोगों से जाएं मिले तो कहीं हम भी संक्रमित हो जाएंगे? जी, डर के भाव से तो नहीं जा रहे थे, ये अपने तरफ से कर रहे थे, जो हमारे परिवार के एक सदस्य हैं उसी तरह से हम जा रहे थे, और अपने बच बचाव के देखते हुए, मतलब सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, सुरक्षा के ध्यान देखते हुए वहाँ पे हम पहुँचे और उन लोग को सुरक्षा के बारे में बताया जो आप लोग साबुन से लगाइए और सैनिटाइज कीजिए और मास्क लगा कर अपना, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रही। अच्छा, जो प्रवासी मजदूर को जैसे 14 दिन का पीरियड पूरा होना था उसके बाद से खाते में कुछ पैसा जाना था, 1,500 रुपया, तो जिनका खाता नहीं खुला था उनके लिए क्या किया आप लोगों ने? उसके लिए हम लोग खाता ले जाकर, दीपू जी हैं पोस्ट ऑफिस से, इंडियन पोस्ट ऑफ बैंक जो है उनके द्वारा हम दीपू जी से ले जाकर अपने प्रवासी मजदूर को सबको एकाएक कर खाता खुलवाए, और 4 लोगों को आज बाकी था उनको आज हम विदाई के समय ले जाकर खुलवाए। मतलब उन लोगों का भरपूर सहयोग किए कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी जी, यहाँ तक कि वो मजदूर को पैसा नहीं था 600 रुपया तो खाता में डालने के लिए 500 रुपया हम 5 मजदूर को दिए। अच्छा जी, अभी आपके पंचायत स्तर पे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? जैसे भुखमरी की समस्या बहुत जगह से सुनने में मिलती है कि लोग खाने के लिए परेशान है, क्योंकि लॉकडाउन में तो मान लीजिए कि जो दैनिक मजदूर है वो तो काम करेंगे तभी उनके पास पैसा आएगा, तभी खाएंगे, तो ऐसी स्थिति तो नहीं ना आपके पंचायत में? अभी तो ऐसी स्थिति नहीं है, जहाँ तक तो कोई हमको बता रहे हैं उसको हमको जितना समर्थ है जितना बुझा रहे हैं उतना हम उनको सहयोग कर रहे हैं। बोलिए आप। जो विगत हम लोग 2 महीना से राशन का वितरण कर रहे हैं, हम और हमारे जो मुख्य पति रमेश कुमार सिंह है, जहाँ तक हम लोग को बुझा रहे हैं वहाँ तक हम लोग सहयोग कर रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि पूरे पंचायत क्षेत्र में आपके द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है जी, और ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है कि जिसमें भुखमरी वगैरह की कुछ बात है जी, और जहाँ से हमको पता चलता है वहाँ हम तुरंत पहुँच कर, चाहे कोई सहयोग द्वारा हमको पता चलता है तो हम तुरंत वहाँ जाकर अपना राशन प्रदान। पंचायत में आपके पंचायत में प्रणाली की जो दुकान है, क्या वो लोग सही समय से लोगों के बीच में राशन का वितरण कर रहे हैं? जी, हमारे पंचायत में जितना भी डीलर हैं उतना सही समय से अपना वितरण कर रहे हैं। अभी तक जहाँ तक हम जिससे जानकारी लिए हैं हमको अच्छे से जानकारी मिला है, हमको खाद्य पदार्थ अच्छे, मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं। और जो जरूरतमंद थे उनको मतलब जीविका के माध्यम से आप लोग फॉर्म भी भरवाए हैं जी राशन कार्ड बनवाने के लिए? अपने परिचय दे दीजिए। मैं शेतापुर की मुखिया पिंकी देवी। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त परमानंद पब्लिक स्कूल में एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें।